बेहोशी की हालत में सपना देखता है कि कोई जंगल से होकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अभी डॉक्टर आकर उसे बुलाते हैं तो रैबिट की आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद रैबिट पूछता है, मैं कहाँ पे हूँ? और डॉक्टर उससे कहते हैं, तुम लंदन के हॉस्पिटल में हो। और डेविड जैक के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं, सॉरी जैक, तुम मर चुका है। ये सुनकर डेविड जैक से मिलने के लिए उतावला हो रहा होता है। फिर डॉक्टर हर्ष उसे किसी तरह कंट्रोल करते हैं। फिर जैक हर्ष से कहता है, वो उस रात को उन पर किसी भेड़िए ने हमला। फिर हॉस्पिटल में पुलिस वाले आकर जैक के बारे में डेविड से पूछताछ करने लगते हैं तो डेविड कहता है, वो उन पर किसी भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर हम देखते हैं डेविड बिना कपड़ों के जंगल के अंदर भाग रहा है और डेविड एक हिरन का शिकार करता है। शिकार करके उस हिरन का मांस डेविड खा लेता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डेविड फिर से सपना देख रहा है और वो सपने में ही खुद को जंगल के अंदर भागते हुए देखता है। भागते भागते वो एक जगह पे आकर रुकता है तो डेविड देखता है जंगल में ही हॉस्पिटल का बेड लगा हुआ है और उस बेड के ऊपर डेविड खुद ही लेटा हुआ है। फिर अचानक वो नर्स उसके पास आती है तो डेविड का चेहरा अचानक से एक डरावना चेहरा बन जाता है। अगले दिन डेविड उस सपने के बारे में डॉक्टर से कहता है तो डॉक्टर उससे पूछता है, तुम पर जिस आदमी ने हमला किया था तुमने उसकी शक्ल देखा था? डेविड फिर से डॉक्टर को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है और वो डॉक्टर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है।